हेलो गाइस, बुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको दोस्त अखिलेश। आज हम लोग CSS में विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, इसके पहले अगर आपने मैं लास्ट वीडियो इसमें अपलोड किया था मार्जिन पैडिंग के लिए, तो मार्जिन पैडिंग आप देख लीजिए, बिकॉज इसको मैं इस प्रॉपर्टी में यूज करने वाला हूँ। अगर आपको आइडिया नहीं है तो प्लीज़ वॉच फर्स्ट। सो हम लोग चलते हैं अभी विड्थ एंड हाइट के लिए। अभी देखो, मैं यहाँ पर आपको सिंपल एग्जाम्पल दे के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं एक डिव लिया हूँ, ओके, और ये मेरा यहाँ पे स्टाइल है। स्टाइल में सिंपली क्योंकि कुछ है नहीं, सिंपली एक बॉक्स क्लास लिया है जो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं, तो इसको थोड़ा एक विड्थ दे देते हैं। लाइक विड्थ मैं देता हूँ कुछ, इसका ना बाई डिफॉल्ट पहले मैंने हाइट देता है। ठीक है, देखो क्या होगा। हाइट अगर मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल दिया, ओके, इसको एक बैकग्राउंड कलर दो, पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ तक है। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आप चेक करोगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो डिव की विड्थ होती है वो कंप्लीट 100% होती है। ओके, चाहे आप उसको छोटा करो, जो भी करोगे उसकी बेसिस पे होती है। ओके, बाय डिफॉल्ट इसकी विड्थ होती है। और विड्थ अगर आपको चाहिए, जितना चाहिए आप एज ए परसेंटेज, ओके, चाहिए तो आप ऐसा विड्थ 50% ऐसे दे दो, तो डिपेंड अपॉन द परसेंटेज ये हो जाएगा छोटा। ओके, अगर आप इसका स्क्रीन छोटा भी करोगे तो उसके बेसिस पे 50% आएगा। अगर आपको विड्थ फिक्स चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली जो भी साइज चाहिए उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे पिक्सल में देता हूँ, तो यहाँ पे उसके बेसिस पे वो साइज फिक्स होगा। आप चाहे स्क्रीन डिक्रीज करो या इंक्रीज करो, उससे मतलब उससे नहीं है, ठीक है। ओके, चलो फिलहाल हम लोग अभी पिक्सल यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल मैं देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। ओके, नाउ सी, अभी इसमें मैंने कोई कंटेंट नहीं पास किया है, सिंपली एक विड्थ है और हाइट सेट किया है। ओके, तो काम करते हैं, इसको ना एक बॉर्डर देते हैं। या एक काम करो, इसके अंदर ना एक आउट डिव ले लो, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये मेरा यहाँ पे क्लास इनर बॉक्स है। ओके, इसको मैं यहाँ पे डॉट इनर बॉक्स, इसको भी ना विड्थ में सेम देता हूँ, ध्यान देना। इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर दूंगा, इसका बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, ओके, तो सेव कर दो। यहाँ पे अगर देखोगे तो ब्लू जो है इसके ऊपर क्या हुआ, ओवरलैप हुआ। चलो अब इसको एक बॉर्डर दो। अब ध्यान समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको बॉर्डर दिया मैंने 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब इसको ओवरलैप नहीं किया, क्यों, अभी बॉर्डर के अंदर है। मीन्स जो इसका बैकग्राउंड विड्थ था, विड्थ और इसका विड्थ दोनों सेम हुआ। ओके, तो उसको ऊपर ओवरलैप किया। जब मैंने बॉर्डर का 5 पिक्सल दिया, ये जो 5 पिक्सल उसने एक्स्ट्रा स्पेस लिया, मतलब इसका विड्थ यहाँ तक ही है, उसने एक्स्ट्रा स्पेस लिया। अगर आप इसमें पैडिंग देते हो, अगर यहाँ पैडिंग हम देते हो 10 पिक्सल, तो ये इसका भी स्पेस लिया है। देखो यहाँ से ये पैडिंग हो गया, क्योंकि बैकग्राउंड स्पेस है, पैडिंग है और यहाँ पे विड्थ है। अगर आपको सेम इसके बराबर करना है, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 100 पिक्सल्स, ओके, अभी सपोज मुझे ना इसका विड्थ और हाइट दोनों बराबर, इसका विड्थ ना बराबर करना है दोनों से, दोनों में, तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका विड्थ दोनों को बराबर करना है। इसको मैं बंद करता हूँ, तो यहाँ पे मैं देता हूँ 100, तो इसका विड्थ बराबर कैसे होगा ध्यान देना। इसमें कितना विड्थ है 400, ओके, 5 पिक्सल इसमें क्या है, बॉर्डर है, तो कितना 405 प्लस करो इसमें, और 10 कितना वो 15, तो टोटल अगर हम लोग काउंट करेंगे तो क्या हुआ 15 होता है।
ओके तो क्या हुआ यहाँ पे देखो इसको उसके लिए उसके ऊपर ओवरलैप किया। ओके हाँ अब इधर क्यों नहीं हुआ क्योंकि इधर इसने पैडिंग में स्पेस लिया है। अगर आप यहाँ पे पैडिंग इसका कम करोगे तो ध्यान देना। अब क्या हुआ अभी ओवरलैप कैसे ज़्यादा हो गया क्यों क्योंकि अभी इसका जो स्पेस है इसके स्पेस कितना है 400 है और बॉर्डर 5 है। बॉर्डर मतलब इधर 5 इधर 5 कितना हुआ 10 हुआ। तो अगर मैं इसको इसका विड्थ 410 दूंगा तो जाके इसके बराबर होगा। ओके तो यहाँ पे आप समझो कि हो क्या रहा है एक्चुअली। बॉर्डर मैंने 5 पिक्सल दिया है तो 5 5 10। ओके तो यहाँ पे फिलहाल आप ए पास करो। ओके तो देखो अभी इसको अंदर आया आप सिंपली यहाँ पे 405 पास करोगे। इसने इसको ओवरलैप किया तो अभी क्या हो रहा है पता है अगर मैं यहाँ पे 10 पास किया तो ओवरलैप दिखा रहा था मतलब ये स्टार्ट तो यहाँ से हुआ है। ओके तो बॉर्डर जो 5 एक्स्ट्रा लिया है तो इसको मैं एज अंदर भाग सकता हूँ लाइक मार्जिन लेफ्ट -5 पिक्सल। ओके तो ये 10 विड्थ रहेगा बट -5 पिक्सल मतलब ये इधर अंदर जाएगा। ओके तो समझ देखो अभी इसको बराबर हुआ। बस सिंपली मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप विड्थ के साथ साथ बॉर्डर पास करोगे पैडिंग पास करोगे तो ये सब एक्स्ट्रा स्पेसेस लेते हैं उसके साथ वो एक्स्ट्रा स्पेस लेगा। मैं यहाँ पे 10 पिक्सल दिया तो देखो वापस स्पेस आ गया। अगर आपको वापस से बराबर करना है तो सेम जो पहले विड्थ है वो पास करिए जो इधर विड्थ मतलब टोटल विड्थ यहाँ पे कितना हुआ 410 + 5 = 420 हुआ। तो मतलब अगर यहाँ पे 420 पास करोगे तो यहाँ पे ऐसे आएगा। ओके तो सिंपली ऐसे बहुत सिंपल है। आप इसे में इसको आप हाइट भी दे सकते हो हाइट आपको इक्वल चाहिए लाइक यहाँ पे विड्थ हाइट 200 है तो यहाँ पे अगर 200 पास करोगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा। ओके ओवरलैप मीन्स इसके अंदर ही है तो ओवरलैप अगर इसको इक्वल करना है तो सिंपली यहाँ पे करो पैडिंग 10 है ए 10 है मतलब 10 10 20 + 5 कितना हुआ यहाँ पे 5 5 10 यहाँ पे 30 हुआ। तो मतलब अगर आप हाइट 230 दोगे तो इसके बराबर होगा। ओके अब देखो ये ओवरलैप हुआ तो ओवरलैप करने के लिए मतलब इसको मुझे ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पे आप मार्जिन क्या करोगे मार्जिन टॉप यहाँ पे कितना कम है यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे टोटल मुझे 220 चाहिए। ओके तो यहाँ पे 13 है तो -15 कर दें यहाँ पे -415 पिक्सल्स। ओके तो बराबर हो गया। तो सिंपली अगर आप लाइक दो विड्थ साथ में दे रहे हो तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप सिंगल विड्थ पास कर रहे हो जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ड्यू क्लास बॉक्स 1। ओके तो सेम प्रॉपर्टी में बॉक्स 1 के लिए यूज करता हूँ यहाँ पे इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। ओके तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कैसा होगा यहाँ पे आया तो यहाँ पे थोड़ा मार्जिन टॉप मार देता हूँ मैं मार्जिन टॉप दे दिया सिंपल 10 पिक्सल। ठीक है और गैप लेगा। अब देखो यहाँ पे अगर इसके अंदर कोई कंटेंट आप रखते हो ओके विड्थ हाइट एग्जांपल ठीक है इसको मैं थोड़ा कंटेंट जैसे बढ़ा देता हूँ तो सिंपली अभी हम देखोगे ओके तो यहाँ पे ऐसे देते हैं। देखो अभी यहाँ पे ये जो कंटेंट आ रहा है ये कंटेंट आपका इतना गैप लेके आया क्योंकि यहाँ पे क्या है पैडिंग है आपको पता है बॉर्डर अगर बॉर्डर के जस्ट अंदर क्या होता है पैडिंग होता है तो मैंने यहाँ पैडिंग दिया है तो वहाँ पे आ रहा है। अगर ये मैं पैडिंग हटाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे इसका विड्थ भी कम हुआ कि इसका विड्थ इसको मैंने चेंज नहीं किया अभी तक मैंने खाली पैडिंग चेंज किया तो भी इसका विड्थ कम हुआ। मतलब सिंपली अगर आप पैडिंग देते हो तो वो विड्थ में इंक्रीमेंट होता है। ओके विड्थ में इंक्रीमेंट होगा। ओके अगर बॉर्डर का साइज बढ़ाओगे यहाँ पे लाइक यहाँ पे बॉर्डर मैंने लाइक 20 पिक्सल किया तो आप देखोगे विड्थ और बढ़ जाएगा। ओके बात समझ पा रहे हो। तो ये सब अगर पास करते हो तो इसमें
चेंजेस होते हैं ओके। और इसमें अगर हाइट आपने फिक्स कर दिया तो अगर कंटेंट आपका ज़्यादा हो रहा है, मान लो मैंने इसका फॉन्ट साइज बढ़ाया, कंटेंट अगर ज़्यादा कर दिया 30 पिक्सल ओके, तो फिर आप देखोगे कंटेंट ओवरलैप हो जाता है यहाँ पे ओके। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे दो चीज़ होता है, आप इसको हाइट की जगह पे आप इसको मीन हाइट शेयर कर दो, उससे क्या होगा मीन हाइट तो ये रहेगा बट अगर कंटेंट ज़्यादा हुआ तो हाइट इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब अगर आपका कंटेंट छोटा है लाइक 10 पिक्सल है तो बाय डिफॉल्ट हाइट 200 फिक्स रहेगा, जो हाइट है यहाँ पे वो 200 फिक्स रहेगा। और यहीं पे अगर मैंने इसको लाइक इंक्रीज किया, अगर उसको ज़रूरत पड़ी हमें हाइट इंक्रीज करनी चाहिए तो हाइट इंक्रीज कर देगा। तो इसको मीन हाइट से कर सकते हो। और इसमें ये भी कंडीशन से अगर आपको चाहिए नहीं, इसका मैक्सिमम जो हाइट है 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप ये भी दे सकते हो। तो अगर 400 से ज़्यादा हाइट हुआ तो उसके आगे हाइट बढ़ेगा ही नहीं, मैंने पता चल दिया। देखो अभी 400 फिक्स है उसके आगे नहीं जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे अब डेटा बाहर भी नहीं जाना चाहिए मान लो ओके। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ओवरफ्लो एक्स एंड वाई, ओवरफ्लो वाई ऑटो कर दो यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक स्क्रॉल आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये बार वाई एक्सिस है। आपको अगर इसमें स्क्रॉलिंग चाहिए वाई एक्सिस में, इसलिए मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो वाई दिया है ओके। तो सिंपली आप समझ गए। तो दो चीज़ है, पहले तो विड्थ हाइट रख दो जो विड्थ हाइट फिक्स करेगा, दूसरा मिन हाइट मैक्स हाइट, जहाँ मिन हाइट आपका मिनिमम हाइट उतना रहेगा और मैक्सिमम हाइट में मैक्स हाइट जाएगा। सेम आप विड्थ के लिए भी दे सकते हो, अगर विड्थ का कंटेंट ज़्यादा हुआ इन केस तो आप वहाँ पे उसको माइनस कर सकते हो ओके। सो यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर हुआ विड्थ हाइट में, अभी के लिए इतना ही। इसमें अगर कुछ डाउट तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ओके। और इसमें अगर मार्जिन पैडिंग आपको नहीं क्लियर हुआ तो अभी लास्ट वाला वीडियो यहाँ पे देख लो मार्जिन पैडिंग का, इसमें क्या क्या उसका यूज होता है वो आपको क्लियरिटी आ जाएगा। तो मीन्स सिंपली अब यहाँ पे अगर टोटल विड्थ या टोटल हाइट की बात करोगे तो सिंपली आप कैलकुलेशन कैसे करना, ये जो कंटेंट एरिया होता है जो हम लोग विड्थ पास करते हैं ये पार्ट ओके, ये विड्थ आपका खाली कंटेंट एरिया का होता है। मतलब अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट में चेक करोगे ओके, तो यहाँ पे ये जो विड्थ हम लोग पास कर रहे हैं 400 वो खाली इसके लिए जा रहे हैं 400 ओके। तो बाकी जो पैडिंग है देखो, पैडिंग अलग पार्ट है, वहाँ पर बॉर्डर अलग है, मार्जिन का दिया तो यहाँ मार्जिन यहाँ पे आएगा। तो सिंपली जो कंटेंट है जो हम लोग 400 पास करते हैं ये खाली कंटेंट के लिए होता है ओके। एंड अगर हाइट पास करेंगे तो भी कंटेंट के लिए, आप एक्स्ट्रा का बॉर्डर पैडिंग पास करोगे तो मार्जिन ऐसा तो एक्स्ट्रा स्पेस लेगा वो ओके। दोस्तों सीसीएस के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।